हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल घेरदार फ्रॉक पैटर्न है, जो कि 2 से 3 साल तक के बच्चे का पैटर्न है। स्क्रीन पे आप जो फ्रॉक देख रहे हैं, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा दिखेगा और इसमें 65-65 फंदे दोनों तरफ डाले गए हैं। अगर आप भी इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। पहली सिलाई सीधी तरफ से बुनी जाएगी। इसमें शुरू के 11 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। आज का डिज़ाइन बहुत सिंपल है, इसे कोई बिगिनर भी इजीली बना सकते हैं, तो प्लीज़ इस डिज़ाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस फ्रॉक में जो डिज़ाइन है वो 12-12 फंदों के मल्टीपल में डाला जाएगा। और इस तरह से 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से डिजाइन का एक पार्ट, एक ब्लॉक कह सकते हैं, ओवर हो गया। अब वापस हम रिपीट करेंगे, ऊन आगे लाके 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस फ्रॉक की खास बात यह है कि जैसे जैसे हम डिजाइन डालते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप चुन्नट बनती जाएगी। एक बात का ध्यान दीजिए, इस फ्रॉक की जितनी भी सीधी सिलाइयां हैं वो सारी पहली सिलाई के जैसे बुनी जाएगी, तो इस सिलाई को बहुत ध्यान से देखिएगा। और देखिए, यहाँ पे 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जो बचे हुए 5 फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कम्प्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से उल्टी बुनी जाएगी। इस सिलाई में शुरू के 11 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। एक बात का ध्यान दीजिए, जिस तरह से हम दूसरी सिलाई इस डिजाइन में बना रहे हैं, इसी तरह से जितनी भी उल्टी सिलाइयां हैं वो सारी आपको दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। और 2 सिलाई में जाके, यानी कि पहली और दूसरी सिलाई को रिपीट करते हुए, आपको आपके पूरे डिजाइन को कंप्लीट करना होगा। और ये देखिए, 11 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद 5 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। और यहीं पे हमारा आज का डिज़ाइन भी ओवर होता है। इस डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। और पहली दूसरी सिलाई के मदद से आपको आपके पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा। पूरे डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।